अगर जिस दिन हम ट्रैक में अगर अपनी पा रहे हैं तो पूरा प्रशासन हिला देंगे इस बात का। प्रशासन बहुत गौर दे, हम काम करते हैं तो हमसे ऊपर वाले सैलरी उठाते हैं। रेलवे ट्रैक मैन कर्मचारियों ने रेलवे ट्रैक पर काम करते समय मास्क और ग्लव्स नहीं मिलने पर काम बहिष्कार किया है। रेलवे द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया जा रहा है। ट्रैक मैन कर्मचारियों ने मास्क और ग्लव्स उपलब्ध कराने की मांग की है। ट्रैक मैन कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि नियम विरुद्ध तरीके से रेलवे ट्रैक पर काम कराया जा रहा है। ट्रैक कर्मचारियों द्वारा काम नहीं करने पर अधिकारियों के द्वारा गैर हाजिर लगाई गई है। अधिकारियों की मौजूदगी में भी ग्लव्स और मास्क के बिना रेलवे ट्रैक कर्मी काम कर रहे हैं। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन रेलवे लाइन को दुरुस्त करने के लिए पटरियों के नीचे स्लैब बदलने का कार्य किया जा रहा है। कोरोना वायरस की वजह से जहां रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म में सैनिटाइज किया जा रहा है, वहीं सभी रेलवे स्टेशन कर्मचारियों को ग्लव्स मास्क पहनने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखने की हिदायत दी गई है। लेकिन इस सब नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। प्रभात मार्केट पुल के नीचे रेलवे ट्रैक कर्मियों द्वारा रेलवे पटरी पर स्लैब बदलने का काम शुरू किया गया है, लेकिन जैसे ही काम शुरू होने को था वैसे ही सभी ट्रैक कर्मचारियों ने काम करने को मना कर दिया। इन सभी की मांग थी कि जब तक हमें सब कर्मियों को मास्क और ग्लव्स नहीं उपलब्ध कराए जाएंगे तब तक काम नहीं करेंगे, जिस पर वहां मौजूद अधिकारियों ने काम नहीं करने वाले ट्रैक कर्मचारियों की गैरहाजिरी लगा दी, जिस पर ट्रैक कर्मी भड़क गए और रेलवे लाइन पर ही जमकर नारेबाजी करने लगे। रेलवे ट्रैक पर DPWC अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे, जो लाख दावा कर रहे थे कि सभी को मास्क और ग्लव्स दिए गए हैं, लेकिन उन्हीं के सामने सभी लोग बिना ग्लव्स और मास्क के काम कर रहे थे। खुद जिस जगह वह बैठे थे वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आ रही थी। मुरादाबाद से दानवीर सिंह की रिपोर्ट। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। संतोष यादव नाम है मेरा, गैंग नंबर 14 मुरादाबाद यार्ड। इसमें सर क्या है, जब रेलवे गवर्नमेंट बोर्ड से लेटर आया हुआ है कि 50 साल वाले बुजुर्ग आदमी को ड्यूटी ना लिया जाए, इसके बावजूद भी घर से बुलवाने के बाद में धमकी दी जाती है कि नहीं आओगे तो आप सैंड लगेगी, आपकी खुद की जिम्मेदारी है। ये चीज़ तो सर गलत है। हम ही लोग सिर्फ काम करेंगे साइड पर आके, बड़े बड़े और अधिकारी हैं, उन्हें कोरोना सबसे पहले लगेगा कि मतलब वो साइड पर नहीं आ रहे हैं। इसके बारे में मतलब क्या गवर्नमेंट का मतलब क्या है? हमारे साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। दस्ताने और मास्क दिए गए हैं, वो दस्ताने इस तरीके से दिए गए हैं कि उनमें हाथ डालते ही वो फट गए। तो मतलब हमारी ज़िंदगी से खिलवाड़ करना अच्छा लगता है तो करिए। अगर जिस दिन हम ट्रैक में अगर अपनी पा रहे हैं तो पूरा प्रशासन हिला देंगे इस बात का। प्रशासन बहुत गौर दे, हम काम करते हैं तो हमसे ऊपर वाले सैलरी उठाते हैं। हम कर्मचारी दिन रात धूप में मेहनत करने के बावजूद भी 25-26 हज़ार सैलरी हमारी होती है, और जो लोग ACU में बैठे हैं उनकी 70-80 हज़ार। एक तो गवर्नमेंट द्वारा ये खिलवाड़ हो रहा है, ऊपर से हमारे साथ और खिलवाड़ किया जा रहा है। तो हम ये आह्वान करते हैं कि अगर हमारे साथ ऐसी प्रशासन सोशल हमारा करता रहा तो हम ऐसा एक दिन ऐलान कर देंगे कि पूरा प्रशासन देखता रह जाएगा, फिर हम किसी की भी नहीं सुनेंगे। यदि मैन एकता जिंदाबाद, ट्रैक मैन एकता जिंदाबाद, मैन एकता जिंदाबाद। क्या नाम है? मेरा नाम तिलक कुमार है, बाकी सब ये मेरे ट्रैक मैन भाई हैं। और आज हम प्रातःकाल अपनी ड्यूटी पर समानुसार आए, परंतु हमें नियम विरुद्ध काम दिया गया, जिसको जो है जिसको नहीं हमारे करने पर ना ही वो सेफ्टी का काम था, ना ही पास हमारे पास कोई सेफ्टी इक्विपमेंट थे, ना ही मास्क और ना ही ग्लव्स दिए गए, और हमारे पास जो करने के औजार थे वो भी कम थे। इसके तहत हमने उस काम को करने के लिए मना किया, जिसके तहत हमारी अब्सेंट लगा दी गई, उस काम को कम नहीं किया गया जबकि हमारी उसके बदले में हमारी अब्सेंट लगा दी गई। इसको हमने बार बार अपने अधिकारियों से कहा लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। क्या सब नाम है? मेरा मोहम्मद अनीस। किस पद पे हैं? मैं पिडुलाई मुरादाबाद। अच्छा, क्या था पुराम में? क्या था पुराम? यहाँ डिस्ट्रेसिंग होती है रेल में, उसको डिस्ट्रेसिंग का प्रोग्राम था, इसलिए सारी एक गैंग बुला रखी थी। जैसे बाकी गैंगों को काम दिया गया था वैसे इनको भी काम दिया गया था। लोगों ने इकट्ठे होकर जो भी इनकी दिक्कत रही, इन्होंने मेरे से कोई बात नहीं की, या ना कोई दिक्कत के लिए बात की, बस अपने काम बंद करके इकट्ठे होकर बैठ गए। बाकी आपको बताया होगा। इनका कहना यह है कि जो काम है हमारा
उसके अनुसार सोशल कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, मास्क की व्यवस्था नहीं करी गई। मास्क सबको दे दिए गए हैं, मास्क एक आदमी को देकर गए, एजन साहब खुद इनको देकर गए, मेरी मौजूदगी सैनिटाइजर साबुन सब इनको दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग काम अलग अलग दूर दूर बांटा जाता है, जैसे बाकी लोगों का बांटा गया है, ऐसे ऐसे स्लीपर इनको ऐसे दिए गए थे, उसमें दूरी पूरी बाकायदा रहती है। ब्लॉक में इकट्ठे होकर काम करते हुए चले जाते हैं।